गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विक्रम कुमार गौतम। टुडे विल डिस्कस अबाउट क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। बेटा कि जैसा कि हमने देखा क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हमने कल समाप्त किया। उसमें हम आशा करते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 1 का जो भी आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ था उसके एक एक लाइन हमने डिस्क्राइब किया आपको और अच्छे तरीके से हमने उसको क्या किया, स्टडी की। और आशा भी करता हूं कि आपको सारे उस चैप्टर का समझ में आया होगा। सारे वर्ड यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। तो आज का हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। यदि अगर कहा जाए बेटा कि हम एकेडमिक क्लास जो ऑनलाइन ले रहे हैं तो हमको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलना है कि हम क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम मैंने सोचा कि आपको वो नीट का लेवल का जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी हो वो मैं अपने लेक्चर में भी आपको क्या करूँ, सारी नीट की फ्रिक्वेंसी के लेवल का आपको सारी चीज़ें दे दूँ। हाँ, हमने बता भी रखा हुआ कि नीट में जो भी क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाते हैं उनमें से 100% तो नहीं, लेकिन आपको 90-95% आपको बेस रहता है बेटा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पाए जाते हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे रहते हैं जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं। जैसे हमने बताया कि आपको पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसकी उसी एनसीईआरटी का है, उसी एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं। और कुछ जैसे हमारा ये चैप्टर रहा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है जो चैप्टर नंबर 2 है आपका एनसीईआरटी का, वो बड़ा ही बड़ा आपको इंटरेस्टेड है। जैसा कि हमने जब इवेंट्स पढ़ रहे थे हम पहले चैप्टर्स का, उसमें भी बहुत सारे वर्ड यूज किए गए थे जिसको हमने बताया कि आपको चैप्टर नंबर 2 या फिर 3 जो आपको स्टार्ट होंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको चैप्टर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है आपका हमने लिख रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं अर्थात कह सकते हो इस चैप्टर में फ्लावरिंग का प्लांट का मतलब हमने प्लांट की कैटेगरीज पढ़ी हुई है 11th में, उसमें हमने डिवाइडेशन पढ़ा उसका, तो हमने देखा था लास्ट वाला पॉइंट एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर लगते हैं उसमें फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है, एक्चुअली वही हार क्लास का प्लांट होता है। तो उनमें हमको देखना है कि जिनमें फ्लावर लगता हो और उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हमने आपको ये ध्यान रखेगा, हम जो क्लास 12 का चैप्टर का ये दूसरा चैप्टर है उससे थोड़ा सा बेटा हम क्या करते हैं अपने क्लास 11 में जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को समझने से पहले हमको कुछ फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा। फंडामेंटल हमारा क्लियर होगा बेटा तभी हम समझ पाएंगे, और ये चैप्टर थोड़ा सा आपको फंडामेंटल हम वहां से क्लियर करेंगे जो क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के आपने पढ़ा होगा, वहां पे फ्लावर की मॉर्फोलॉजी आपने देखा होगा, कुछ फ्लावर के फंडामेंटल कैरेक्टर्स वहां पे दिए रहे होंगे, आपने उसके फ्लोरल डायग्राम भी देखे थे वहां पे, कैलिक्स करोला एंडोसियम और सारे के देखा था, कुछ बनाने के लिए भी दिया होगा, फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया रहा होगा। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड पहले हम उस फंडामेंटल को क्लियर कर लेते हैं, और फंडामेंटल को क्लियर कर लेंगे तो बेटा हम आपको चैप्टर नंबर 2 का जो एनसीईआरटी में 12th में क्लास में दिया हुआ उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर आपका फंडामेंटल पे है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ही है आपका जो यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको नीट वाले एग्जाम में, तो वो देखते हैं कि आशा करता हूँ बेटा इस छुट्टियों में आपको मैं डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, ठीक है। मेहनत करेगा आप, सिर्फ जितने भी फ्रीक्वेंसी जितना मैं मेहनत करता हूँ जितना प्रोवाइड कराऊंगा बेटा वो आप स्टडी करिए और अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करके रखिए, ताकि अगर एग्जाम में कभी कभी बैठे आपको नीट का एग्जाम अगर देना होगा तो आप क्लास 12 के बाद ही बेटा दे सकते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वो है नहीं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए। क्लास 11 में जो भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 में हमने पढ़ाया होगा वो आप बिल्कुल क्या करिए, रिपीट करते रहिए, वहां से वर्ड आपको जो चैप्टर पढ़े वो भूलने ना पाए, रिपीट करते रहिए, और उसके बाद क्लास 12 का जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल पढ़िएगा, तो आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आप एग्जाम के लिए,
चाहे जिसका एग्जाम हो। ठीक है, फिलहाल हमारा दोनों बेस क्लियर हो जाएगा, हमारी एकेडमिक की पढ़ाई भी हो जाएगी। जैसे हमने बताया क्लास 12 का जो भी चैप्टर है आपको क्लियर करके जाऊंगा, उसके अलावा आपको क्या एक्स्ट्रा जो लेक्चर हमने लिया है या फिर आपको जो एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देता हूँ बेटा, वो नेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, फंडामेंटल पे आते हैं। देखिएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, आपने देखा होगा इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर को देखा होगा। ठीक है, कि पौधे क्या होते हैं, पौधों में हमने देखा हुआ है कि प्लांट्स में देखना देखा हुआ है कि पौधे जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, क्योंकि उनमें एक पर्टिकुलर एक सीजन आती है जिसके दौरान ही क्या होता है कि उनमें फ्लावर लगते हैं, और जैसे ही फ्लावर लगते हैं तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि वेजिटेटिव फेज से वो एंट्री कर गए आपको रिप्रोडक्टिव फेज में, अर्थात अब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब सॉरी प्लांट्स में अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, अर्थात वो क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा प्लांट्स, और उनमें क्या होगा लास्ट टाइम में उसके रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, उनमें फ्रूट लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि हमको क्या करना है। देखा कि बहुत सारे फ्लावर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स को देखा होगा, पौधे में बड़े क्या कलरफुल फ्लावर्स को देखा होगा, तो इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है या फिर इनकी इंपॉर्टेंसी क्या है इन फ्लावर की, जो कलरफुल होना या फिर आप कैसे कह सकते हो ब्लू कलर का रेड कलर का बहुत सारे सुंदर फ्लावर हमको दिखते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उस फ्लावर का इतना सुंदर फ्लावर क्यों दिखता है, वो हमको तोड़ने के लिए नहीं दिखता कि हम जाके उसको तोड़ने बेटा, कि कंडीशन उसकी कुछ रीजन होता होगा। रीजन सिंपल सा है कि जो फ्लावर कलरफुल होते हैं वो अट्रैक्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें पॉलिनेशन कराना होता है, इसलिए वो इंसेक्ट को या आप कह सकते हो जनरली इंसेक्ट को ही क्या करते हैं इंट्रैक्ट करने के लिए वो आपको क्या करते हैं सुगंधित होते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं और कलरफुल होते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन होता है। तो हम इस चैप्टर में सारी चीजें को हम क्लियर करेंगे, हर चैप्टर में जो भी आएगा जो वर्ड्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे होंगे वो सारे आपको हम बताएंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं कि आज का लेक्चर में जो फंडामेंटल में, तो हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में आपने देखा होगा इस यहाँ पे हमने डिस्कस करते हैं स्टार्ट करते हैं जहां से कि सबसे यदि फ्लावर आपने देखा होगा, कुछ फ्लावर आपको बहुत छोटे दिखे होंगे, कुछ फ्लावर आपको बहुत बड़े दिखे होंगे, तो आपको हमने यहाँ प्रोवाइड करवा रखा है कि आपको पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्मॉलेस्ट फ्लावर कि सबसे छोटा फ्लावर किसका होता है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया होगा, आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर जो होता है वो होता है बेटा ओल्फिया का होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर जो होता है वो ओल्फिया का होता है, और यदि कहा जाए सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर जो होता है रेफ्लेसिया एनोली का होता है। दोनों यदि आपको कंफर्म नहीं हो पा रहे कि सर ये वर्ड हमने यूज किया हुआ कभी देखा नहीं है इस फ्लावर को, तो आप बेटा गूगल पे सर्च मार के उसका इमेज देख सकते हो। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर जो होगा वो ओल्फिया होगा, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर जो होगा वो रेफ्लेसिया का होगा, और सबसे इसमें एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल से मैं डाल रखा हूँ बेटा नेशनल फ्लावर, हमारे इंडिया का नेशनल फ्लावर क्या होता है, तो आप सिंपल से कहते हो बेटा क्या लूटर, उसका बॉटिकल नेम हमने लिख रखा वो इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं बेटा नीलम्बो न्यूसीफेरा कहा जाता है। ठीक है, नीलम्बो न्यूसीफेरा नेशनल फ्लावर होता है, जिसे हम लोटस कहते हैं, कमल का फूल कहते हैं वो होता है, और बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्मोलॉजी यूज की गई है एंथोलॉजी, व्हाट इज एंथोलॉजी, तो आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर, इसका अर्थ है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी वो आपको टर्मिनोलॉजी है जिसके वो ब्रांच होती है एंथोलॉजी की, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं सिर्फ फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी में तीन चार हमने यूज किया हुआ था कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर को हमने देखा ओल्फिया, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया, नेशनल फ्लावर आपको लोटस या फिर जिसे नीलम्बो न्यूसीफेरा, एंथोलॉजी वर्ड यूज किया, एंथोलॉजी मीन्स होता है कि आपको स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की हम इसके अंतर्गत ब्रांच के अंतर्गत क्या करते हैं स्टडी करते हैं। क्लियर हुआ, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको ये जानना है कि जब भी किसी प्लांट्स में फ्लावर आपको निकलते हैं या फिर पौधे में फ्लावर लगना स्टार्ट होता है, तो हमको इंडिकेट ये हो जाता है कि अब पौधे में क्या होगा रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हमको फ्लावर की पूरी मॉर्फोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। यदि हमको पूरी मॉर्फोलॉजी क्लियर होगी बेटा, तो हम आसानी से उसको क्या करते हैं कि आगे प्रोसेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर आपको बना रखा हुआ है,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मिलेंगी आपको। वैसे एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा आपको कुछ उसके स्ट्रक्चर, फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर देखा होगा, तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना रखा होगा, उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको येलो सा फ्लावर है, एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, येलो का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है बेटा, और ऐसे अगर काटा गया होता है तो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। फिलहाल आपको जो सामने फिगर आपको है वो येलो सा फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब हम देखेंगे कि इसके फ्लावर के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या होते हैं। तो सिंपल से समझिएगा, जब भी फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, फ्लावर इज हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड सूट हैविंग नोड एंड इंटर। फ्लावर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हाईली कंडेंस्ड होता है, मतलब बहुत संघनित होता है, एंड मॉडिफाइड सूट, ये सूट का रूपांतरित भाग ही होता है। पौधे में रूट एंड शूट मिलती है बेटा, वो शूट का ही क्या करता है, रूपांतरित भाग होता है। शूट का मतलब आपको ये समझना होगा कि रूट एंड शूट, जो जमीन के अंदर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जमीन के ऊपर वाला भाग जो भी जर्मिनेट करता है उसको बेटा हम शूट कहते हैं, जैसे स्टेम हो गई, लीफ भी उसमें आ गई। तो आपको फ्लावर क्या है, स्टेम एंड लीफ जो मॉडिफाइड होते हैं वही होते हैं। तो जैसे ही हमने देखा हुआ कि हमने कहा मॉडिफाइड शूट एंड क्या होता हैविंग नोड एंड इंटरनल, ये आपको पहले भी हमने लेक्चर में कहीं जगह बताया हुआ है कि नोड एंड इंटर नोड का वर्ड क्या हुआ, कि नोड और इंटर नोड है स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम, क्योंकि स्टेम में लीफ का क्या होता है, रूपांतरण होता है, लीफ निकलती है, तो वो लीफ वहीं से निकलेंगे स्टेम में जहां पे नोड प्रेजेंट होगा, और नोड हमेशा वहीं से लीफ का ब्रांचेज होती है, और उसके दो नोडों के बीच में जो गैप होता है, जो स्थान होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इंटर नोड। जैसे हमने गन्ने में देखा होगा ना सुगर केन में, कि बेटा आपको रिंग लाइक बना होता है, रिंग लाइक बना होता है, तो जो रिंग लाइक बना होता है जब भी ब्रांचिंग हम उसको लगाते हैं जमीन के अंदर, तो ब्रांचिंग कहाँ से होती है, वो नोड से होती है, और उसके बीच का स्थान बिल्कुल सेफ रहता है, वहां से ब्रांचिंग नहीं होती है। तो कंडीशन वही मिला कि नोड और इंटर नोड जो होता है ये आपको फ्लावर में भी देखने को मिलता है, ठीक है, उसी का मॉडिफाइड होता है। तो अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा उस फ्लावर में ध्यान कि दिया कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, या फिर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के जितने पौधे होते हैं हर क्लास के प्लांट्स, उनमें जो उसकी छोटी सी एक यूनिट होती है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है वो फ्लावर होती है, हम फ्लावर को कहते हैं, ठीक है। तो फ्लावर होता है, अर्थात इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टार्ट। हम कह सकते हैं जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर लगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्टार्टेड हो जाते हैं, क्लियर हुआ। अब उसी हमको देखना है कि फ्लावर जब लगते हैं तो उसमें क्या कंडीशन आती है। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि फ्लावर के पास, फ्लावर में आपको जनरली क्या होता है, एक टिपिकल फ्लावर हैज फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रूट अरेंज सक्सेसिव ऑन द स्वेलिंग एंड्स ऑफ द स्टार्क एंड पेटल कॉल्ड थैलमस आर रिसेप्टिकल। अर्थात कहने का कह रहा है कि एनसीईआरटी का एक बेटा हम पढ़ रहे हैं, वो क्लास 11 के एनसीईआरटी उठाओगे बेटा, वहां पे लिखा होगा, ठीक है, वहां की सारी लैंग्वेज बिल्कुल एनसीईआरटी जैसे। तो कहने का ये, फ्लावर एक टिपिकल क्या होती है, मॉर्फोलॉजी होती है प्लांट्स की, जहां पे आपको उसके पास आपको क्या होता है, आपको क्या कहते हैं, फोर काइंड्स में आपको पार्टिसिपेट किया जाता है, उसके चार भाग या पार्ट मिलकर आपको फ्लावर बनाते हैं, और वो जो फ्लावर का चारों पार्ट आपको जिस पार्ट पे लगे होते हैं उसको हम बेटा स्टाक कहते हैं, स्टाक को ही हम कहा जाते हैं थैलमस कहते हैं। अर्थात जनरली कहो कि एक स्टाक लगा होता है, स्टाक पे उसका ऊपर वाला भाग, ध्यान रखिएगा स्टाक का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो फूटा हुआ होता है, आपको स्वेलिंग किया होता है, उसको बेटा हम बोलते हैं थैलमस, उसको थैलमस बोला जाता है, या फिर बोला जाता है रिसेप्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, वो यूज किया गया है थैलमस या रिसेप्टिकल क्या रहता है। जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये बेटा आपको स्टार्क हुआ, ये स्टार्क पे आपको देखो, ये स्टार्क के ऊपर जो आपको ये स्वेलन हुआ पार्ट हुआ है, इसको हम बेटा कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ रहते, उसको कहा जाता है बेटा थैलमस, ठीक है, थैलमस कहते हैं। और ये जो स्टार्क होता है उसका, जिसमें फ्लावर लगा होता है, उसको बोलते हैं बेटा पेडिसिल, क्लियर हुआ, उसको क्या कहते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, पेडिसिल होती है, पेडिसिल के ऊपर, पेडिसिल के ऊपर जो स्वर्ण वाला पार्ट, तो वो हमने बताया बेटा क्या होता था, थैलमस हुआ, और थैलमस के पास आपको नोड और इंटर नोड पाए जाएंगे, थैलमस के पास बेटा नोड और इंटर नोड पाया जाता है, और वो डिफरेंट क्या, उसमें चार रिंग पाए जाते हैं, अर्थात फोर रिंग आपको प्रेजेंट इन थैलमस, थैलमस के अंदर चार रिंग प्रेजेंट होती है, और वही चारों रिंग क्या होती है, मॉडिफाइड होती है, रूपांतरित होकर अलग अलग पार्ट का क्या करती है, क्या कहते हैं, विकास करती है,
जैसे उसको देखते हैं बेटा कि फोर रिंग आपको कैसे लगी रहती है, वो रिंग के बारे में कभी कभी नीट में भी पूछा गया है कई बार, तो उसका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कि उसके चारों रिंग के अरेंजमेंट कैसे होते हैं। तो जनरली आपको क्या होता है कि वो चारों रिंग आपको कैसे अरेंजमेंट करते हैं, तो जैसे देखिएगा हमने बताया कि वो चारों रिंग आपको जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है। देखिए सबसे बाहरी रिंग से मॉडिफाइड होकर वहां से रूपांतरित होकर आपको फॉर्मेशन होता है किसका, वो बेटा आपको ग्रीन कलर की, बिल्कुल सदैव ग्रीन कलर की ही दिखेगी। ध्यान रखिएगा हमेशा सदैव जो होता है वो ग्रीन कलर की ही दिखेगी। ग्रीन कलर की ही दिखेगी बेटा, वो सदैव ग्रीन कलर की लिपिड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं क्या बेटा, उसको कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, कैलिस उसके समूह को कहा जाता है क्योंकि स्टार्ट पे नीचे लगा रहता है ग्रीन कलर का। देखा होगा कोई भी फ्लावर आप देख लीजिए बेटा, वो क्या कहते हैं रोज का ले लीजिएगा, जब नीचे की तरफ देखेंगे ग्रीन कलर का इस तरह का लगा होता है, जो हमने स्ट्रक्चर में ऐसा लगाया तो हमने कट बनाया होगा, तो आप नीचे स्टार्ट के नीचे लगा रहता है क्योंकि उसी पे फ्लावर लगा। तो ग्रीन कलर का जो चारों तरफ से आपको कवर किया रहता है या फिर चारों तरफ से आपको लगा रहता है, वो उसके समूहों को हम क्या कहते हैं, उसके पूरे समूह को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैलिस कहते हैं। और उसकी एक यूनिट को, अगर उसको एक यूनिट को तोड़कर निकाल ले हम, तो एक यूनिट जो होती है वो कहलाती है बेटा सेपल कहलाती है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, कैलिस हुआ पहली रिंग मॉडिफाइड होकर कैलिस का निर्माण की, कैलिस उसके बाद आपको कैलिस के एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, और सदा क्या होता है वो ग्रीन कलर का ही आपको दिखाई देगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड रिंग जो आती है उसके अंदर वाली, वो तो बाहर वाली रिंग थी, उसके अंदर आएंगे आउटर रिंग आपको क्या थी, कैलिस का फॉर्मेशन थी। जस्ट देन द सेकंड आपको क्या होती, करोला का फॉर्मेशन। अब करोला क्या होता है, करोला इज द अट्रैक्टिबल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये ध्यान रखिएगा, करोला जो होता है सबसे अट्रैक्टिबल पार्ट होता है उसमें, क्योंकि वही कलरफुल होता है और वही अट्रैक्ट करता है क्या कहते हैं, इंसेक्ट, और उसी से क्या होता है नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ढेर सारे आपको जो स्मेल वगैरह ये आते रहते हैं वो सारे आपको क्या होते हैं बेटा, उससे करोला की वजह से आता है। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव बोल होता है, तो हमने कहा इंसेक्ट को पॉलिनेशन करने के लिए अट्रैक्ट करता है, तो करोला आपको कलरफुल हो सकता है। ठीक है, वो कोई भी कलर हो सकता है, या रेड कलर, ब्लू कलर, क्या कहते हैं पर्पल कलर, कोई भी कलर से आपको बहुत सारे फ्लावर दिखते हैं। ठीक है, तो करोला होता है सेकेंड रिंग, और उसकी एक यूनिट को, उसकी अगर एक यूनिट को निकाला जाए तो उसकी एक यूनिट जो होती है बेटा उसको कहते हैं पेटल कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे, पेटल आ गया। जस्ट थर्ड यूनिट पे आप क्या आगे नेक्स्ट उसके ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, तो जो थर्ड रिंग आती है, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं रिंग की तरफ, आउटर रिंग कैलिक्स देन द करोला एंड देन थर्ड रिंग इज मॉडिफाइड एंड फॉर्म टू फॉर्म द क्या कहते हैं उसको कहते हैं बेटा आपको स्टैम, वो फॉर्म करती है स्टेमेन का, अर्थात एंड्रूसियम का रहता है। अब बात आती है एंड्रूसियम क्या होता है, एंड्रूसियम देखिएगा, एंड्रूसियम एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ द स्टेमेन, स्टेमेन के पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं एंड्रूसियम कहते हैं। यदि पौधे को ऊपर से देखोगे ना, कभी कोई फ्लावर होता तो हम दिखाते हैं यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ देखोगे तो वो क्या करोला के अंदर आपको ढेर सारे ऐसे फिलामेंट की तरह ऊपर फूला हुआ पार्ट निकला होगा। ठीक है, उसको हम बनाए जैसे जस्ट लाइक आपको ये देखो ना स्ट्रक्चर तो हमने बनाया, ये इस तरह के ढेर सारे हमने दूरी बनाया, ये पूरा ग्रुप में ऐसे कवर किया रहता है, तो ये ग्रुप पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं एंड्रूसियम कहते हैं। ठीक है, पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को हम एंड्रूसियम कहते हैं, और उसकी एक यूनिट को हम क्या कहते हैं बेटा स्टेमेन कहते हैं। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ उसकी एक यूनिट को हम क्या कहते हैं स्टेमेन कहते हैं। देन क्या कहते हैं स्टेमेन के, आपको इसके फ्लावर में पूरा लिखा हुआ कि स्टेमेन में भी आपको दो क्लियर पार्ट दिख रहे हैं, वैसे पार्ट को हम देखेंगे स्टेमेन का अलग से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। इसमें आपको एक एंथर होता है और फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब जो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है वो फिलामेंट होता है, और उसका ऊपर का उभरा हुआ किलनुमा उभरा हुआ पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एंथर कहते हैं। क्लियर हुआ, एंथर और दोनों मिलकर आपको स्टेमेन बनाते हैं, और पूरे समूह को ढेर सारे मिलेंगे तो उसको एंड्रूसियम कहेंगे। ठीक, एंड ध्यान रखिएगा एंड्रूसियम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, मेंड्रूसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ध्यान रखिएगा एंड्रूसियम ही वो पार्ट है जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर फ्लावर में से कहा जाए तो किसको कहोगे, स्टेमेन या एंड्रूसियम, एक यूनिट है उसकी स्टेमेन की। अब आते हैं देन द फर्दर लास्ट रिंग, चौथी रिंग पे आते हैं, फोर रिंग क्या होती है मॉडिफाइड करके आपको लास्ट आपको सबसे इनर मोस्ट रिंग ऑफ द फॉर्म टू द क्या कहते हैं पिस्टिल और कार्प, पिस्टिल या कार्प, ये वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता है गैलोस। ठीक है, उसके समूह को कहेंगे, ढेर सारे अगर पिस्टिल रहेंगे एक से दो से अधिक रहेंगे तो उसको हम गैलोसियम कह सकते हैं बेटा, गैलोसियम वर्ड यूज किया जाता है। तो ये गैलोसियम, गैलोसियम के एक यूनिट को हम क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे या कार्प कहेंगे।
दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, पिस्टल या कार्पल कहा जाता है। और पिस्टल या कार्पल के आपको तीन पार्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको ऊपर वाला फूला हुआ भाग थोड़ा सा दिया हुआ है स्टिग्मा, सिलेंड्रिकल वाला भाग आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका होता है स्टाइल, एंड देन द नीचे फूला हुआ बेसमेंट पे फूला हुआ भाग होगा उसको कहते हैं ओवरी। और ध्यान रखिएगा उसी ओवरी के अंदर आपको क्या होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिए जो छोटे सा डला हुआ है यहाँ पे लिख लो, ये जो लगा हुआ है उसको कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक बेटा, प्लेसेंटा होता है। और ये वाला जो पार्ट प्लेसेंटा के जो लगा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा ओव्यू। इसका जिक्र हमने कभी किया था लास्ट वाले लेक्चर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। तो यही ओव्यू होता है, ठीक, ढेर सारे ओव्यूल आपको देख रहे हैं, ठीक। ओव्यूल किसका फॉर्मेशन करते हैं तो कमेंट में लिख भेजिएगा बेटा, ओव्यूल किस ओविल मॉडिफाइड होकर या रिप्रोडक्शन के बाद आपको किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो आप कमेंट में लिख दिया, वो हमने लेक्चर में कल बता भी दिया था आपको। तो ये सारे आपको कहानी है एक फ्लावर की। अब हमको क्या मिला, इस फ्लावर में हमने इतनी चीजें देखी, स्ट्रक्चर पूरे फ्लावर की, तो हमको क्या करना पड़ा, ये ध्यान रखा है हमें दो चीज बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट मिले, कि जो फ्लावर का जो एंड्रुशियम था वो मेल पार्ट था, और जो गायनोशियम है बेटा वो फीमेल पार्ट है। गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, वो गायनोशियम ही वो पार्ट है जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लियर हुआ, तो हम आपको ये क्लियर कर दे रहे हैं कि फीमेल क्या होता है, गायनोशियम या फिर आपको पिस्टिल जो हमने कहा हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और क्या होता है जो कार्पेल सॉरी स्टेमेन जो होता है वो आपका क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव। आप इसका इसकी साउंड ले सकते हैं, आप रिहर्सल करिएगा बेटा, बनाइएगा और सारे वर्ड आपको याद रहे, ठीक है, और फिर हम लेक्चर के दौरान सारी चीजें लिखते हैं। क्लियर हुआ, तो हम इसको रिमूव कर दें बेटा, स्क्रीन शॉट हो गया होगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक। अगली पॉइंट पे देखते हैं, हमने जो टर्मोलॉजी यूज होती है आज के लिए, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है बेटा, क्योंकि हमको टर्मोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है, तो डिस्कस करते हैं। देखिएगा कि आपको हमने अरेंजमेंट के बारे में बता दिया, सारी चीजें रिंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। अब ये ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है बेटा, हमको बेटा आपको याद रखना है ये, ध्यान रखिएगा इसमें कंडीशन है चार रिंग में, देखिए चार रिंग में हमको क्या क्या मिला वो ध्यान रखिएगा। हमको मिला बेटा आपको पहला ऊपर पहले मिला क्या, कैलिक्स मिली थी, ठीक, क्लियर। इसका एक पार्ट को हमने क्या कहा था, सेपल्स कहा था, सेपल। दूसरी रिंग से मिले हमको क्या, करोला मिला था, करोला को क्या कहा था बेटा हमने, पेटल कहा था। तीसरी रिंग मिली थी हमको क्या, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम एक यूनिट को कहते हैं क्या, स्टेमेन, स्टेमेन। फोर्थ हमको मिला था बेटा क्या आपको, गायनोशियम, गायनोशियम मिला था। गायनोशियम की एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल। क्लियर हुआ, कार्पेल का। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्लियर होगा, जो पिस्टिल होता है या फिर गायनोशियम जो होता है वो बेटा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्लियर हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनमें से हमने कहा, अब आपको ध्यान रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव किसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इस एंड्रोशियम के फ्लावर के किस पार्ट को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, या फिर फ्लावर के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब बचा रह गया ऊपर कैलिक्स, कैलिक्स एंड करोला। ध्यान रखिएगा कैलिक्स एंड करोला इन चार्ट में लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो लाइन आपको दे सकता है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि आपको कैलिक्स एंड करोला इज द एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि जो कैलिक्स और करोला होता है ये बेटा आपको एसेसरी ऑर्गन होता है, सॉरी एसेसरी ऑर्गन,
आपको एनसीईआरटी में मेंशन है। एसएससी आगमन का मतलब ये बात, ये बेटा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, ये कह सकते हो एसएससी आगमन होता है। एंड देन द एंड्रोसियम एंड गैनोसियम इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो दोनों भाग होते हैं, ये दोनों रिंग होती है, ये आपको पार्टिसिपेट करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और बेटा जो कैलिस एंड गरूड़ा होता है वो बेटा आपको क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। तो क्लियर हुआ हमको ये चीजें आपको मिली। अब आपको बात आती है ये कि यदि आपको देखा जाए ध्यान रखिएगा, यदि एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, ठीक है बेटा एक सेकेंड बेटा, हाँ ध्यान रखिएगा, यदि आपको लिखा हुआ व्हेन ए फ्लावर हैव बोथ एंड्रोसियम एंड गैनोसियम, यदि आपको कह रहा है व्हेन ए फ्लावर हैव बोथ एंड्रोसियम एंड गैनोसियम इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हुआ नहीं समझ में आया? देखो यदि आपको जिस फ्लावर में जो ने फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें दोनों ने बनाया था एंड्रोसियम बनाया था और गैनोसियम दोनों फ्लावर में थे, यदि जिस फ्लावर में एक ही फ्लावर है उसके पास आपको उस फ्लावर के पास एंड्रोसियम भी है और गैनोसियम भी है, क्लियर बोथ एंड्रोसियम एंड गैनोसियम दोनों है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक क्या कहा जाता है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड्रोसियम एंड गैनोसियम। यदि आपको कहा था व्हेन व्हेन अ फ्लावर फ्लावर हैव वनली स्टेमेन, वनली स्टेमेन आर कह सकते हो वनली स्टेमेन आर पिस्टिल, यदि आपको ऐसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ स्टेमेन हो या फिर आपको क्या हो क्या कहते हैं पिस्टिल, उनमें से एक ही दोनों में से एक ही हो, ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा वर्ड आपको याद रखिएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं बेटा, इनमें से सिर्फ आपको ये या तो एंड्रोसियम होगा एंड्रोसियम आर गैनोसियम, ठीक या तो गैनोसियम होगी या तो एंड्रोसियम होगा, यदि एंड्रोसियम होगा तो वो मेल फ्लावर कहलाएगा, यदि गैनोसियम उसके पास है एंड्रोसियम नहीं है तो वो क्या कहलाएगा फीमेल फ्लावर। क्लियर हो अब आपको बात आती है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ बेटा कि यदि आपको कहा जाए कि इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली की बात की जाए, यदि मोनोकार्ड की, मोनोकार्ड की बात हम कह रहे हैं यहाँ पे, इन सम फ्लावर लाइक लिली या कह सकते हो मोनोकार्ड, मोनोकार्ड में जो मोनोकार्ड की बात हम कह रहे हैं बेटा डाइकार्ड की नहीं, मोनोकार्ड की अगर बात किया जाए तो उनमें क्या होता है ऐसे फ्लावर में क्या होता है बेटा ध्यान रखिएगा, ऐसे फ्लावर में द कैलिक्स एंड करूला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्न्ड एज द टर्म उसके लिए यूज किया गया पेरियंट। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखिएगा एनसीईआरटी के लाइन कि आपको लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि इन सम फ्लावर इन सम क्या कहते हैं इन सम फ्लावर का इन सम फ्लावर लाइक लिली, लिली बारे में देखा जाए लिली या मोनोकार्ड की जो बात कर रहा है कि इनमें क्या होता है द कैलिक्स एंड करोला, ये दोनों बात कर रहा है द कैलिक्स एंड करोला इज नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब वो दोनों आपस में सेपरेट नहीं होते हैं, वो दोनों फ्यूज होते हैं एक साथ, कैलिक्स और करोला बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा कैलिक्स कौन सा करोला, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, तो ऐसे इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं उनको कहा जाता है पेरियंट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा पेरियंट कहते हैं, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरियंट का मतलब ये होता है कि जिसमें इसका एग्जांपल हमने बताया ना बेटा आपको, एग्जांपल आपको लिली होगी या कह सकते हो ब्रैकेट लिख सकते हो मोनोकार्ड, मोनोकार्ड वाले पौधे में ऐसा पाया जाता है कि पेरेंट पाया जाते हैं उनकी जो कैलिस और करोला जो होती है वो सेपरेट नहीं होती, बिल्कुल दोनों आपस में क्या होते हैं सके होते हैं, ठीक है इसलिए वर्ड उसका किया जाता है डिस्टिंक्ट कहा जाता है।
अब आपको बात आती है बिना सिमेट्री पे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फ्लावर के, कुछ सिमेट्री के बारे में भी पूछ लेता है फ्लावर प्लांट में। मार्शलवादी में आपने कहा कि बताया गया तुम मार्शलवादी क्लास 11 में पढ़ा होगा और चैप्टर आपका खत्म भी हुआ था, हमने देखा था आपको इस तरह की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होनी नहीं चाहिए आपको। तो आते हैं इस पे सिमेट्री पे, कि फ्लावर की सिमेट्री के आधार पर भी कुछ क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। फ्लावर की जो सिमेट्री होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, वो फ्लावर की सिमेट्री पे आपको कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिमेट्री कैसे होती है, यदि आपको इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक, ये वर्ड आपने यूज किया गया है, यदि फ्लावर की सिमेट्री के आधार पर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, यदि फ्लावर की सिमेट्री बेटा किसके आधार पर देखा जाए, सिमेट्री 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 के आधार पे देखा जाए तो फ्लावर इज टू टाइप्स, उसके सिमेट्रिकल के अंदर बेसिस ऑफ द सिमेट्रिक फ्लावर इज द डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एंड एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। क्लियर हुआ, एक वर्ड आपको यूज किया गया होगा आपको एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, एक्टिनोमार्फिक कहा जाता है बेटा, और एक्टिनोमार्फिक जो होता है वर्ड आपको ये आपको कह सकता है ये रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ये कैसा होता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो रेडियल सिमेट्री, इसकी कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है एक्टिनोमार्फिक की। और दूसरा हमने वर्ड एक यूज किया था जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक का मतलब यह हुआ आपको, जाइगोमॉर्फिक का मतलब हुआ ये बेटा बाईलैटरल सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्री। क्लियर हुआ, तो आपको हमने दो चीजें बताई क्लियर करके कि कंडीशन क्या क्या आपको देखने को मिला बेटा। तो इसमें आपको देखना है तो दो चीजें मिली आपको सिमेट्री के आधार पे, दो एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। अब बात आती है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल, ये तो हमने आपको पता होगा कि जब हम क्लास 11th में क्या कहते हैं फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे एनिमल किंगडम, उसमें हमने सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया। यदि ध्यान सुनो, फ्लावर की भी बता देता हूँ, यदि ऐसा फ्लावर जिसका कोई एक बेस हो, जिसका कोई एक बेस हो, नॉर्मली आपको इंसान क्या लिखा हुआ है कि आपको वेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल आपको दिया है मस्टर्ड और धतूरा एंड चिली। तो हमको कहने का मतलब ये है, फिर से समझिएगा कि कंडीशन क्या रहा है कि एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर रहा है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, रेडियल सिमेट्री के आधार पे। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, यदि ऐसा फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से कोई कट करें और वो दो इक्वल भाग में, किसी भी प्लेन से सेंटर से होता हुआ यदि कट करें, वो दो प्लेन या दो इक्वल भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा, आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। क्लियर हुआ, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब आपको एक्टिनोमॉर्फिक हुआ, यदि हमको कहा क्या कहा जाता है, आपको फिगर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिगर बना लेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। जैसे हम एक फ्लावर, समझने के लिए बेटा बनाते हैं, सॉरी, ये फ्लावर, ठीक है, फ्लावर है, अब इसको हम डिवाइड करें तो बिल्कुल सेम भाग में बैठ जाएगा किसी भी प्लेन से, यहां से डिवाइड कर, इसका सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से होता होगा, यहां डिवाइड करेंगे तब भी दो सेम भाग में बढ़ेगा, यहां से बेटा हम क्या करें डिवाइड करें तब भी दो सेम पार्ट में बढ़ेगा, इस भाग से डिवाइड करें तो बेटा सब भी आपको सेम पार्ट से डिवाइड करेगा, दोनों इक्वल भाग बटेंगे, यहां से डिवाइड करें तब भी सेम पार्ट में, अर्थात ऐसी सिमेट्री को जहां पे किसी भी प्लेन से हम दो डिवाइड इक्वल डिवीजन कर ले तो उसको कहते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा उसको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। एग्जाम्पल आप ले लो, एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल हमने क्या क्या कहा बेटा, मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड, और हमने क्या कहा, धतूरा का बात किया था, धतूरा
और क्या होती है बेटा चीनी। ये इसके एग्जांपल है, आपको एनसीईआरटी की एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूछ भी से रह सकता है। नेक्स्ट आते हम जाइगोमॉर्फिक पे, एक्टिनोमॉर्फिक बिल्कुल क्लियर समझना है फिगर से ही कि जिसकी रेडिकल सीक्वेंस सिमेट्री इस टाइप की होती है जिस फ्लावर की, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक, अब आती है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक बाय नेचर ये जाएंगे ऐसे फ्लावर आपको सिंपल से दिया हुआ है उनकी जाइगो, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इट इज जाइगोमॉर्फिक। कहने का मतलब वो लिखा हुआ एनसीईआरटी में कि यदि हम ऐसा फ्लावर जो किसी सिंपल कोई किसी एक ही प्लेन से वो दो बराबर भागों बटता है, दूसरे प्लेन से कहीं भी नहीं बट नहीं सकता दो बराबर भागों में, ऐसे फ्लावर को या फिर ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं बाईलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो बाईलैटरल सिमेट्री हमने देखा हुआ था, यदि ह्यूमन बींग का लेके जाता हमको देख लीजिए बेटा, यहाँ से अगर मिडिल पार्ट से इस एंगल से काटा जाए तो बिल्कुल दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन बाद में किसी और एंगल से काटा जाए तो दो बराबर भागों में डिवाइड होंगे। तो हमने वहां पर देखा था ना प्लांट पे, हमने वो सॉरी 11th पे हमने पढ़ा हुआ था सिमेट्री के बारे में, तो सिंपल से उसको फिर से रिपीट करिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें भी वही है, इसके फ्लावर के कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, कुछ नोट डाउन कर देता हूँ। जैसे हमने क्या किया बेटा, आपको फ्लावर बनाया, ठीक है, सॉरी समझने के लिए एक फ्लावर बना दिया हमने, ये फ्लावर है, इसका मिडिल पार्ट है कोई भी होगा, ये फ्लावर रहा है। ठीक, ये फ्लावर लगा हुआ कोई, यदि अगर देखा जाए तो यहां के प्लेन से सेंटर से होता हुआ कट किया जाए तो ये बेटा दो समान भागों में बढ़ सकता है, क्लियर। लेकिन अगर अंदर प्लेन से कहीं भी काटा जाए तो ये समान भागों में नहीं बढ़ सकता। तो कंडीशन यही रहा कि इसका कोई एक ही प्लेन है वही से दो बराबर भागों में बट रहा है, तो इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया क्या, आपको बायलैटरल सिमेट्री जिसकी होती है इसके लिए कहते हैं आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। तो दो वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल आपको हमने दे दिया था, सॉरी इसका दे दीजिए बायलैटरल वाले का, ये आपको जो फिगर हमने बनाया ये बायलैटरल था, सॉरी बायलैटरल होगा। बायलैटरल का एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वो बेटा आपको है पी गुलमोहर एंड बियर और कैसिया। आपको एग्जांपल है पी जो गार्डन पी होती है बेटा, मटर का पौधा होता है, पी गुलमोहर होती है, गुलमोहर और पियर, सॉरी बियान होता है, ये होता है बियान। एंड आपको हमने दूसरा आपको क्या क्या एग्जांपल मिला वो कैसिया, क्लियर हो। तो ये रहा आपको सिमेट्री के आधार पर हमने डिस्कस किया, श्योर हो गया बेटा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से कमेंट में लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, एक दो बार लेक्चर उसको दोबारा रिपीट करके सुनोगे तो आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आते हैं हम आगे पॉइंट पे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अभी भी और भी बाकी है सारे से, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको सिंपल सा लिखा हुआ मिला, यदि आपको देखा जाए फ्लावर में बड़े वर्ड यूज किए जाते हैं जैसे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, तो ये ध्यान रखिएगा ये अरेंजमेंट जो होता है, ये अरेंजमेंट जो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये कैलिक्स एंड करोना के आधार पे आपको लिखे जाते हैं। जैसे नंबर जो होते हैं ना कैलिक्स, करोना और इसके कुछ फिक्स होते हैं, मतलब तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं या पांच हो सकते हैं, उस ग्रुप में ऐसे लगे रहते हैं, होते तो ढेर सारे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट। वो लिखा हुआ है ये फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री फोर एंड फोर रिस्पेक्टिवली, उसके फ्लोरल जो अपेंडेजेस होते हैं बेटा ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरल अपेंडेजेस जो होता है, फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो तीन नंबर में, चार नंबर में या फाइव नंबर में अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर तीन नंबर में अरेंजमेंट है तो हम क्या कहेंगे फ्लावर को, ट्राइमेरस। ठीक, ध्यान रखिएगा वर्ड यूज किया है ट्राइमेरस। यदि फोर नंबर में है तो हम क्या कहेंगे उसको, टेट्रामेरस।
टेट्रा मेरस कहते हैं। ये डिफाइड में सिंपल सा पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है, किसी भी यूज कर सकते हो, ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर, तो आपको कह सकते हो कि इसका अरेंजमेंट देख के आप बता सकते हो। उसका अरेंजमेंट बेटा किस टाइप से हुआ है, किस प्रकार हुआ है, तो उस टाइप से आपको क्या करते हैं बता सकते हो। अगली पॉइंट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, आपको वहां पे दिया होगा फ्लावर, फ्लावर विद ब्रैकेट, फ्लावर विद ब्रैकेट क्या होता है, ये बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्लावर में ब्रैकेट क्या होता है, फ्लावर विथ ब्रैक, आप कहोगे सर ये फ्लावर में ब्रैक कहां से आ गया, आपको शुरुआत में जो हमने लेक्चर शुरुआत फिगर जो बनाया था उसमें एक पॉइंट लिखा था ब्रैक कहने में लिखा होगा। ब्रैकेट फ्लावर क्या होता है बेटा, वो ध्यान रखिएगा कि आपको जब फ्लोर डायग्राम बनाते हो कभी कभी ऐसे कह सकते हो, रिड्यूस लीफ, रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल आर कॉल्ड ब्रैकेट, ठीक है। यदि आपको क्या कहा जाए कि जब हम यहाँ पे पेडिसिल बनाते हैं, ये फूला हुआ पार्ट आपको मान लीजिए थैलमस है, ठीक है, ये थैलमस बनाए फिर इसके बाद पेडिसिल है, ठीक, ये पेडिसिल होती है, तो पेडिसिल में आपको कहाँ ऐसे कुछ लगे होते हैं रिड्यूस लीफ लाइन ऐसे, इसी को बेटा ब्रैक कहते हैं। और ऐसे फ्लावर में जिसमें नीचे ध्यान रखेगा, ये कभी कभी स्टार्क देखो पेडिसिल होती है ना फ्लावर की, उस पर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है, ये कैलिक्स नहीं होता है, ये आपको थोड़ा सा रिड्यूस लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं बेटा ब्रैक कहते हैं, ठीक, इसको ब्रैक कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टीरियट फ्लावर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्रैक्टीरियट फ्लावर, ठीक, ब्रैक्टीरियट कहा जाता है उसके लिए आपको वर्ड या ब्रैक्टीरियट कहा जाता है। और जिसमें आपको विदाउट ब्रैक जो फ्लावर में पेडिसिल में ब्रैक नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टीरिया, ई ब्रैक्टीरिया। तो आपने फ्लोरल डायग्राम में भी आपको लिखा हुआ है सब फिगर के लिए आप यूज क्या करते हो, ब्रैक्टीरिया रहता है शुरुआत में ही लिखा हुआ है बी आर, यदि ई ब्रैक्टीरिया रहता है तो क्या लिखा था, ई बी आर, आपको फॉर्मूला जब लिखते हो तो वहां पर ध्यान रखिएगा, अगर बी आर लिखा हुआ तो ब्रैकेट, और अगर ई बी आर लिखा हुआ तो कैसा है फ्लोरल फॉर्मूला में, ई बी आर का मतलब ई ब्रैकेट अर्थात ब्रैक नहीं, तो क्लियर बात। अब ये कहानी आपको स्टार्ट हुई जहां तक आप हुआ, एक पॉइंट और आप पेडसिल पे ध्यान रखिएगा बेटा, पेडसिल पे ये क्लियर हो गया ब्रैकेट एंड ई ब्रैकेट, ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है ब्रैकेट के लिए। अब पॉइंट आती है आपको क्या कहते हैं बेटा, आती कि यदि पेडिसिल ना हो, ये पेडिसिल ही गए, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें पेडिसिल होती नहीं है, ठीक है, ऐसे फ्लावर को बेटा हम क्या कहते हैं, ससाइल फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर ध्यान रखिएगा यदि पेडिसिल पाई गई है तो उसको कह रहे हैं पेडिसिलेट फ्लावर, पेडिसिलेट फ्लावर, तो इसमें लिख सकते हो पेडिसिल प्रेजेंट, पेडिसिल प्रेजेंट होती है, और सेसाइल फ्लावर को कहते हैं, ये वर्ड यूज किया जाता है सेसाइल फ्लावर, इसमें पेडिसिल अब्सेंट, ठीक, क्लियर हो गया होगा बेटा कि सेसाइल का मतलब होता है पेडिसिल इसमें नहीं होती है, वो सिर्फ ऐसे थर्मोसाइट लग जाता है वहां पे, और पेडिसिलेट फ्लावर को आपको जानते हैं जिसमें पेडिसिल आपको प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये दो वर्ड आपको यहाँ पे हमने क्लियर कर लिए, चार आपको लेक्चर आपका बढ़ाना हो बेटा, तो इसलिए आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन है, थोड़ा सा और ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सा बचा हुआ है उस पॉइंट को लेते हैं यार, आते हैं कि आपको ई बैक्टीरिया पे। अब आपको बोलते हैं ईपी, ईपी कैलिस, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ईपी कैलिस क्या होगी, एक और वर्ड आया आपको ईपी कैलिस, ये क्या होती है इसको देखिए, ईपी कैलिस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको ईपी कैलिस उसे कहा जाता है जब आपको स्कैली अपेंडेज प्रेजेंट द पेडिसिल,
पेडिसिल पे जो अपेंडेजेस होते हैं स्केलेटाइज का, जो अभी अभी हमने नाम लिया था रिड्यूस लीफ लाइक, जो अभी हमने क्या ब्रैक्टीरिया था, इबैक्टीरिया की बात की बेटा, वो पेडिसिल पे वो अगर प्रेजेंट है ग्रुप में, समूहों में प्रेजेंट है, ठीक है, समूह में प्रेजेंट होती है, तो इसके लिए हम वर्ड करते हैं, यूज करते हैं बेटा ईपी कैरिस का आता है, और वो रिंग फॉर्म करते हैं या ब्रैक्टीलेटेड फ्लावर जो होते हैं उसमें रिंग लाइक फॉर्म हो जाता है। जैसे आप समझो ना कि ये स्टार्क आपको बनाया था, ये थैलेमस, फिर ये पेडिसिल वाला स्टार्क आपको आ गया था, ये पेडिसिल थी, तो ये हमने ऐसे एक बना दिया था, ऐसे एक बना दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको रिंग लाइक पूरा ऐसे गुच्छे की तरह दिखता है, यहाँ पे भी आपको बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से आपको इस तरह से रहे, क्या कहते हैं ब्रैक्टीरियल फ्लावर में जिसमें आपको ब्रैक्ट पाया जाता है, बिल्कुल लिंक है, तो ये कैलिस समान दिख रही है लेकिन होती नहीं है कैलिस, ये ध्यान रखिएगा, ईपी मतलब कैलिस के बाहर वाली, ईपी मतलब बाहर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ईपी का मतलब ऊपर होता है, बाहर होता है, तो ये कैलिस के बाहर आपको पाई जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या बेटा, आपको ईपी कैलिस कहा जाता है, ठीक है, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ईपी कैलिस। जो होता है ये ईपी कैलिस सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, इसका एग्जांपल आपको नोट करिएगा, मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली के